अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हाथ में एक रोटी है, क्या आपके घर में रिस्क की कमी है? अमले तस्खीर, आज आपको रिस्क में इजाफे के लिए एक अमल बताऊंगा। काम ना हो तो गरेबान मेरी होगी और हाथ आपका होगा। इस साल अमल शुरू करें, जिस दिन आप अमल शुरू करेंगे उस दिन से लेके अगले साल के उस दिन तक, अगर आपके घर में रोजी नहीं है, रिस्क नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। एक अमल ज़रूर कर लीजिएगा मेरे कहने के ऊपर, इंशाल्लाह मेरे हक़ में दुआ करेंगे। शाहजी ने अमल बताया था रोटी के लिए, रोटी वाला इतना ही रिज्क का ज़बरदस्त अमल है। अगर आपके घर में फाके हैं, रोजी नहीं है, आपकी मुलाजमत नहीं लगती है, आपके घर में जो है वो पैसों की तंगी है, आटे की तंगी है, किसी चीज़ का मसला है, या आपको अल्लाह ने दिया है और आप चाहते उसमें बरकत भी हो और मजीद रियाजा ज्यादा जो है अल्लाह ताला की जात आपको जो है वो रिज्क अता फरमाए, तो एक रोटी वाला मेरा अमल कीजिएगा। सुबह के टाइम पहली पहली पकने वाली रोटी, जो नाश्ते के टाइम जो है वो आपके घर में पकाई जाती है, या वो लोग जो नाश्ता जो है घर में, चाहे औरत है या मर्द पकाता है, कोई भी पकाता है, पहली पहली रोटी आपने किसी को नहीं देनी, उसके ऊपर एक छोटा सा अमल करना है। मैं वादा करता हूँ दुनिया की जो चीज़ मांगेंगे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको जरूर देगी। अमले तस्खीर भी है, यानी आपका अगर ऊपर जादू करवाए गए हैं तो आपको पता चल सकता है ये किसने जादू करवाया। इसके दो अमल किए जाते हैं, लेकिन एक अमल बताना है रोजी रिस्क के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले पार्ट में मैं वो आपको बताऊंगा। तो क्या करना है, सुबह सवेरे पकने वाली रोटी आपने किसी को नहीं देनी है, वो आपने उठा के आपने जो है रख लेनी है। रख के आपने इसके ऊपर एक अल्फाज लिख कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके आपने इसको डेली छत के ऊपर डालना है, या वहां पे डाले जहां पे पाँव ना पड़े और रोटी के ऊपर पाँव ना आए, यानी कि हुरमती ना हो रोटी की। तो आपने क्या चीज लिखनी है, तो सबसे पहले मैं झूठे और पैसे लेने वालों आमलों पर लानत भेजता हूँ। मैं फी सबीला काम करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 03005093968 है, इस पर व्हाट्सएप आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेकंड मोबाइल नंबर 03486703657 है, इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे नाम के काफ़ी सारे लोगों ने जो वीडियो बनाई हुई है, तो ख्याल करना है मेरी वीडियो के ऊपर लोगों ने अपने नंबर दिए, जो नंबर मुंह से बोलते इसके अलावा किसी नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं करना है। तो क्या करना है, आपने इस रोटी के ऊपर राइट हैंड की उंगली लेकर आपने यहाँ के ऊपर, यहाँ रोटी के ऊपर आपने लिखना है या आले मोहम्मद, ये लिफ या अल मदिया, आगे लाम डाल के नीचे जेर डालनी होती है, उंगली के इशारे से आपने लिखना है या आले मोहम्मद। फिर आपने इस रोटी के जो है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देने, टुकड़े करके आपने डेली जो है परिंदों को छत के ऊपर डालना है। अगर पूरी रोटी नहीं पड़े तो आधी रोटी के ऊपर आप कर सकते हैं, या एक टुकड़े के ऊपर भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप घर से बाहर हैं तो अपनी औरत को कहें, या घर में कोई बच्ची है उसको आप कह सकते हैं, बच्चा है उसको कह सकते हैं, वो आपका अमल करे। ये अमल डेली करना है, पहले दिन शुरू करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आपके ऊपर जादू हुआ, तवीज़ात हुए, तो आपके वो रोटी के टुकड़े कोई परिंदा नहीं खाएगा, कोई परिंदा नहीं कहेगा। ये मेरी बहुत ही पुरानी किताब का अमल है, काफी दफा मेरा आजमूदा है। तो क्या आपने करना है, एक दिन जब आप रोटी के टुकड़े डालेंगे, फिर आप दूसरे दिन जाएंगे, सबसे पहले आपने चेक करना है जो पहले दिन वाले टुकड़े आपने डाले थे क्या वो पड़े हैं या नहीं पड़े। अगर वो पहले पड़े हैं तो समझ लें आपके ऊपर जादू है, तवीज़ात है, फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि शाहजी हमने टुकड़े डाले थे, रोटी डेली डालते हैं, वैसे कि वैसे पड़े थे, क्योंकि जो ये तस्खीर का अमल है, यानी आपके ऊपर जादू तवीज़ात को चेक करने का अमल है। क्योंकि अगर आपके ऊपर जादू है, तवीज़ात है, बंदिश है, जिसकी वजह से आपके काम रुक जाते हैं, तो आपकी रोटी के टुकड़े चाहे आप मुंह परिंदे के मुंह में भी डाल दें वो कभी नहीं खाएगा। ये अमले तस्खीर है। तो क्या लिखना है, या आले मोहम्मद लिख के छोटे छोटे टुकड़े करने और उसको परिंदों के सामने डालना है, और उसके बाद जो है दूसरे दिन फिर देखना है, अगर आपके परिंदे खा रहे हैं रोटी को तो रोजाना डालें, नहीं तो फिर आप कार्ड का अमल करें, मुझसे रब्ता कीजिएगा, दो में जरूर जाते हैं, इतनी रोजी होगी मेरे हक में दुआ करने। शाहजी ने अमल बताया कमाल का अमल है, इसकी जितनी तरह जितनी कम है, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छी बात को शेयर करना सदका जारी होता है, ताकि हर बंदा इस अमल को कर सके और रिस्क में इजाफा हो सके। दो में जरूर याद रखिएगा, आज से पिछले साल मैक्सिमम मेरे जो है मेरे 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और मैं वाहिद बंदा जो मीडिया के सामने अपना चेहरा दिखा के बात करता हूँ, और मैं कभी रजिस्टर्ड बात के बगैर मैंने बात कभी नहीं की है। जो एक ओरिजिनल बात होती है, किताबी बात होती है, जो मेरी आजमूदा चीज़ होती है, मैं वो बात करता हूँ। जितने से पिछले साल काफ़ी सारे लोगों ने जो है मेरा ये अमल किया है, आज उनके घर में जिन्होंने गाड़ी मांगी लगजा ने गाड़ी दी, जिन्होंने घर मांगा है उनको घर मिला है, उनकी रोजी रिस्क बेबाह, जात तवीज़ात आपके ऊपर नहीं होगा। ये मजदूर के दो मजदूर याद देखे दो फीसबिल्ला मसीह हसन, खुदा हाफिज़।